तीर्थ नगरी पुष्कर में शुक्रवार को होटल सनसेट को सीज करने के दौरान ईओ अभिषेक गहलोत के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा थप्पड़ मारने और कांग्रेसी कार्यकर्ता और नगरपालिका कर्मचारियों के बीच हुई आतापाई का मामला तूल पकड़ने लग गया है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं शनिवार को नगरपालिका के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने यह नहीं बताया कि हड़ताल पर वो क्यों उतरे। उन्होंने कहा कि हमारे सफाई निरीक्षक के आदेश के अनुसार हम हड़ताल पर उतरे हैं। इस बारे में सफाई कर्मचारियों से जानकारी चाही तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सफाई निरीक्षक इस मामले में जानकारी देंगे। सफाई निरीक्षक का फोन स्विच ऑफ आया। वहीं पुष्कर की पहले से ही सफाई व्यवस्था बदहाल हो रखी है और शनिवार को सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर उतर जाने के कारण धार्मिक नगरी की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। दूसरी तरफ ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने और हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को दो निर्दलीय पार्षदों सहित 10 कांग्रेसी पार्षदों ने पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि ईओ अभिषेक गहलोत के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईओ के पक्ष में सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर जाने से अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुष्कर में पूर्व में विकास कार्य ठप हो रखे हैं, जगह जगह कस्बे की सड़कें टूटी फूटी हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम हो रखा है। तो वहीं अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नगर पालिका कर्मचारी की लड़ाई का खामियाजा पुष्कर के स्थानीय जनता को उठाना पड़ रहा है। क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफर्बिशमेंट। कॉन्टेक्ट करें 9414002004, नंबर एक बार फिर 9414002004। अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूँ। स्वामी न्यूज लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है, अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुणे स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरी और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक।
अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428 श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।